आपने सुना होगा 13 नंबर की कहानी। क्या है 13 नंबर के बारे में मशहूर? अनलकी नंबर। क्या आपको पता है बहुत से स्काई स्क्रिपर्स में 13th फ्लो ही नहीं होता है, कुछ एयरलाइंस में 13th रो ही नहीं होता है, क्योंकि 13th रो किसी को मिल रहा है, 13th नंबर मेरा आ गया। हाँ, अब आदमी पूरी फ्लाइट में बैठा है घबराए हुए कि पता नहीं क्या होने वाला है, और फ्राइडे तो 13th आ जाए, हाँ तो बहुत बोले फ्राइडे और 13th मिक्स हो गया, तो उसके ताल्लुक से और अलग कहानी है। क्या कह रहे हो, 13 नंबर के हाथ में है कुछ? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा बोलो, आप लोग बोलो, 786 के हाथ में है कि नहीं? नंबर प्लेट में 786 चाहिए, फोन नंबर में 786 चाहिए। नंबर प्लेट में 786 लगाने में बहुत लोगों का इंटेंशन होता है कि शायद एक्सीडेंट नहीं होगा, और फोन नंबर में 786 लगाने में क्या मकसद है? हाँ, लकी नंबर बोलते हैं। हाँ, तो अभी बताइए क्या है नंबर्स के हाथ में है? किसी नंबर के हाथ में कुछ नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई कलर नहीं है, हाँ कोई नंबर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं किसका मुंह देखा सुबह सुबह, पूरा दिन अच्छा हो गया। हाँ, या पता नहीं किसका मुंह सुबह सुबह देख लिया कि आज पूरा दिन खराब हो गया। हाँ, हालांकि अच्छा बुरे का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। किसी के चेहरा देखने से दिन खराब होता है? नहीं होता। ये कमजोरियां है इंसान की। अगर इंसान ये मानता है ना, ये मान के जीता है, क्या जी रहा है भाई? आजाद करो अपने आप को ये सब कमजोरियों से, एक रब से ताल्लुक जोड़ लो, उसके हाथ में सब कुछ है। कितना सुकून हो जाएगा जिंदगी में। कितने सारे टेंशन में आदमी झुलझता रहता है कि पता नहीं किसका मुंह देख लिया, पता नहीं कौवा काहे काहे कर रहा है, काली बिल्ली रास्ता काट रही है, कितने सारे प्रॉब्लम्स लोगों की जिंदगी में चलते हैं धागा बांधे हुए, अरे धागा खराब हो रहा है, टूट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा। हाँ, और तावीज पहना हुआ है, अभी बोले तावीज वहां रह गया मेरा, पता नहीं क्या होने वाला है मेरा। मन अल्लाका तमीमतन फकद अशरका, जिसने तावीज तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मन ताल्लका शैयन फकद बुखिला इलै, जो कोई चीज लटकाता है उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है, उसका भरोसा आने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कुरान वाला तावीज लटका सकते, बाकी तावीज लटकाए तो शिर्क किया। इसमें फर्क नहीं किया कि तावीज लटकाया तो शिर्क किया, यहां ये होता है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, आप सबके सामने एक बेसिक दावत है। दावत क्या है? अपने अकीदे और ईमान में ये चीज जिंदगी भर के लिए बना लो। अपने ही नहीं, घर वाले, बच्चे, दोस्त, अहबाब, किसको बता सकते हो बताओ कि ये कहना कि अच्छा बुरा सिर्फ अल्लाह के हाथ में, बनाने वाला भी वही है, मालिक भी वही है, चलाने वाला भी वही है, जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा, रिस्क, औलाद, सब चीज उसी के हाथ में है, उसी के ऊपर हमारा ईमान है, उसी के हाथ में सब कुछ है, एक के हाथ में सब कुछ है, बाकी सब मखलूक है, वो खालिक है, बाकी सब का मालिक वही है, खिलाने वाला है, उसे खाने की कोई जरूरत नहीं, उसे ना नींद की जरूरत है, उसे ना आराम की जरूरत है। ये पहचानना कि किस जात पर हमने अपने ईमान रखा है।